हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल UK04 अली ब्लॉग। तो कैसे यूट्यूब फैमिली, आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो गाइस अभी हम हैं हल्द्वानी, हम जा रहे हैं अभी मुखानी चौराहा सेंट्रल हॉस्पिटल। वहाँ पे दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब है गाइस, तो थोड़ा केयर कवर लेने के लिए जा रहे हैं। क्या दिक्कत है मतलब पता करते हैं जा कर के, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। पहले दूसरे हॉस्पिटल में थे, शायद नाम भूल चुका हूँ मैं कौन से हॉस्पिटल था, उससे रेफ़र किया है दोस्त को सेंट्रल हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे जा रहे हैं, अभी मिलते हुए जाएंगे दोस्त से, तो देखते हैं। और दोस्त से क्या गाइस, हमारे वर्मा जी हैं जिनको मैं पहले भी आपसे मिलवा चुका हूँ। तो वर्मा जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो एक बार देखते हैं, खैर खबर लेते हुए जाते हैं। वर्मा जी की हुआ क्या गाइस, वो साथ में थे तो क्या कहते हैं, बुखार वगैरह तो उनको आया था, रूम पे थे वो साथ में। फिर उसके बाद वहाँ मेडिसिन वगैरह खाई, आराम नहीं मिला, वहाँ से वो घर चले गए, हम हल्द्वानी आ गए थे। तो वहाँ से कल भर्ती किया गया था उनको, और अब देखते हैं गाइस, मिलते हैं उनसे। सेंटर हैं तो गाइस पहले मालूम कर लेते हैं, उसके बाद जब यहाँ से जाएंगे तो मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम, सेंट्रल हॉस्पिटल है आगे है, मैंने फ़ोन किया था। हाँ जी, सुबह वर्मा जी का फ़ोन आया था बेनोई का, उनके वो बता रहे थे कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई ना वर्मा जी की, क्या कहते हैं उनको ना ऊपर रोड में भी गाइस, पहाड़ में तो फिर ऐसे ही होता ना, तो रोड में ऊपर रोड तक उनको चेयर में बिठा के लेकर आना पड़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई ना उनको, उनसे खुद से चला भी नहीं जा रहा था। तो उनको चार बंदे मतलब चेयर में बिठा के ऊपर तक लेके आए रोड में, फिर उनको गाड़ी में लेके आए। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई गाइस, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। वहाँ पर थे रूम पर, मेडिसिन वगैरह भी ला के दी थी हमने, लेकिन वो वाले मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, मुझे घर जाना है, मन कि चलो घर चले जाओ। तो अपने बहनोई को फ़ोन किया उन्होंने, वो आए और उनको लेके गए गाड़ी में घर को। तो आज ही पता लगा मुझे, तो मैंने एक दिन फ़ोन किया था, परसों फ़ोन किया था मैंने उनके नंबर पे, नंबर स्विच ऑफ आ रहा था उनका, उनकी पता कर लेता हूँ कैसी तबीयत है, और नंबर बंद था उनका। फिर आज सुबह ही उनकी कॉल आई, वर्मा जी के बहनोई की कॉल आई, तो वो बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हो गया है। कल हम लेकर आए उनको वर्मा जी को, के हॉस्पिटल में हमने भर्ती किया, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी है। तो चलो चलते हैं यार, और वो हमें बुला भी रहे थे, कह रहे आ जाना आप भी मिल लेना, बाकी देखते हैं क्या है, वहाँ जाके पता ही लगेगा क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ ही थे ना, तो क्या खाया क्या पिया क्या नहीं वो सब कुछ डॉक्टर को बताना पड़ेगा। तो चलते हैं और मिलते हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम सेंट्रल हॉस्पिटल, ये है सामने। तो गाइस निकल रहे हैं अब हम हॉस्पिटल से। तो फ़िलहाल पहले से तो बेहतर है तबीयत वर्मा जी की, मतलब अभी भी इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, थोड़ा अभी भी हाथ लगा के बिठाना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है, बहुत कमज़ोरी हो रही है वर्मा जी को। तो भाई लोगों, हमारे वर्मा जी के लिए दुआ करना कि वर्मा जी जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाएँ एकदम, और जल्द से जल्द अपना एकदम तबीयत ठीक हो जाएगा इस वर्मा जी की। तो अजीब लगता है थोड़ा, अपने साथ में कोई बंदा रहता हो और उसकी अचानक से इतनी तबीयत ख़राब हो जाए, तो बहुत अजीब लगता है गाइस। चलो अच्छा लगा थोड़ा देख के फ़िलहाल पहले से तबीयत ठीक है, नहीं तो सुबह कॉल आई थी तो मुझे तो बहुत ही अजीब हो गया था यार, उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। वो बोले एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया है। इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करा था सुबह। अभी जिस समय हम पहुंचे थे ना भाई, तो उसी समय फिर रूम में शिफ्ट किया हमारे सामने ही। बस यही दुआ है जल्द से जल्द वर्मा जी ठीक हो जाएं। बाकी हम भी निकल लिए हैं यहाँ से हल्द्वानी से पहाड़ के लिए अब, और मामा जी साथ में हैं। मामा जी तो यहीं रुकेंगे, हम जाएंगे पहाड़ के लिए। है भैया भैया स्कूटी भाई। पीछे देख ही नहीं रहा बंदा, लेकिन उसने भी गलत लगाई स्कूटी। जब वो बंदा पीछे कर रहा है, गाड़ी से दिख रहा है वो पीछे कर रहा है, ऐसे रोड में खड़ा है, तो उसके पीछे लगा दी वाले आदमी ने, ले जाकर लो बता। स्कूटी वाली की गलती है इसमें। भाई पदमपुरी पहुंच चुके हैं हम, और इतना पदमपुरी आते आते इतना ठंडा मौसम हो गया ना भाई। मैंने सिंगल टी शर्ट पहन रखी है, नीचे कुछ भी नहीं पहन रखा, सिर्फ टी शर्ट पहन रखी है, और इतना ठंडा लग रहा है ना, बहुत बिकट वाला ठंडा लग रहा है भाई। ऊपर को नीचे को इतना गर्म हो रहा है और ऊपर को इतना ठंडा, मौसम में इतनी चेंजिंग। जब यहाँ से जाते हैं ना हम नीचे को हल्द्वानी को, तो उस दिन तो समझ लो इतना सर दर्द रहता है ना, बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है, क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा है और नीचे का मौसम एकदम गर्म। मौसम की चेंजिंग जब होती है ना, तो पूरा दिन सर में दर्द रहता है वहाँ पहुँचने के बाद। पहाड़ी इलाके में ना गाड़ी ड्राइव करने का मज़ा ही अलग आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, इतना मस्त लगता है ना पहाड़ी इलाके में ड्राइव करने में, क्या बताऊँ, एकदम ज़बरदस्त। फुल लीन मारते हुए चलो भाई। बस थोड़ा ध्यान से ड्राइव करो, बाकी बहुत मज़ा आता है ड्राइव करने में। और आजकल तो बिल्लो रानी भी फुल मस्ती में है। बिल्लो रानी कह रही है बस रेस दो, हार नहीं मानूंगी, कहीं को भी चढ़ा दो, कितनी स्पीड से ले जाओ। तो कहते हैं ना दवा के साथ साथ दुआ का असर भी बहुत जल्दी होता है, तो गाइस करना वर्मा जी के लिए दुआ, और हम भी करेंगे गाइस। शायद आप लोगों में से किसकी दुआ काम आ जाए। तो मुझे इतना टाइम हो गया ना पहाड़ में रहते रहते, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन आज तक मैंने कभी भी पहाड़ में क्या कहते हैं सांप नहीं देखा गाइस। और मैंने अभी पीछे सांप देखा, वो भी इस वाले हाईवे में पीछे बीच रोड में इतना बड़ा इतना मोटा सांप पड़ा था। पहले तो मैं दूर से मैं चल रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था लकड़ी पड़ी हो कोई, और जब मैं पास में पहुँचा तो गाइस इतना मोटा सांप, वो इतना लंबा, काफ़ी लंबा था, पूरे रोड में ऐसा पड़ा था ना, तो मेरी फटके चार हो गई गाइस, पूरा घबरा गया मैं। पास में जाकर जब देखा मैंने तो रुका भी नहीं मैं वहाँ पे, मुझे बहुत डर लगता है, सबसे ज़्यादा डर लगता है मुझे सांप से। तो सहवाग भी पीछे था, मेरे साथ ही था, सहवाग का भी हालत ख़राब। सहवाग कह रहा था वो, मैं कह रहा था सहवाग ऊपर चढ़ा देता इसके, सहवाग कह रहा ना आओ, तो अगर ऊपर आ जाता लिपट के टायर के साथ ना बीच में वो, तो क्या होता है। सहवाग भी इतना डर रहा था ना बहुत ज़्यादा, तो बहुत डर लगता है हमें। टीका लगा दिया। वालेकुम। चले जाओ, पीछे चले जाओ। मैं तो सोच रहा था आज फुरकान भाई को ले जाता हूँ साथ ही। मैंने देख लिया था, मैंने उनकी फुरकान भाई और हाँ यार हल्द्वानी गया था। अरे तुम्हारा और मस्त YouTube चल रहे हैं वो, मतलब ये स्प्लेंडर काम है, हमसे चेंज कर लो तुम। है अरे हम तो कह रहे हैं हमसे चेंज कर लो। तो पहुंच चुके हैं अपने रूम पर। हाँ भाई जैकी तो आ गया। जैकी जब भी देखता है ना तो एकदम दौड़ता हुआ, यहाँ से भी देख लेगा ना तो एकदम दौड़ता हुआ आया। जैकी हाँ आ गया, आज तो तेरे लिए कुछ नहीं लाए हम, आज तो घर से आ रहे हैं हम। तो ये स्कूटी पीछे करनी पड़ेगी सीधी, इसकी चाबी ला के ना इसे सीधा कर दिया आपको। चल जैकी चल आजा। तो गाइस पहुंच चुके हैं रूम पे, बाकी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और गाइस बस अपना प्यार बनाए रखिए, बाकी जैसे ब्लॉगों में बनाए रखते हो ऐसे इस ब्लॉग में भी। तो इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं बताने के लिए आप लोगों को। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त, बाकी मिलते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।